मेरे भाई कैसे हो सभी लोग? बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी जो फिलहाल छत में आया हूँ और कबूतरों को जो है अभी फिलहाल दाना वाना नहीं डाला, कबूतर जो है खोल दिया। तो दोस्तों मैं सोचा आज आप लोगों को जो है अपने सेटअप का जो शो करा देता हूँ। ब्रीडिंग जो मेरे पेटी में हो रही है, सेटअप में जो लोफ्ट के अंदर ब्रीडिंग चल रहा है वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। क्या ब्रीडिंग हुआ, कुछ अंडे वगैरह जो है आप लोग को आज सब दिखा देता हूँ। क्योंकि भाई मैं आप लोग जानते हो कि मैं वीडियो दिखाता हूँ तो अपने लोफ्ट के अंदर का अभी तक आप लोग को नहीं दिखाया हूँ कुछ भी। तो आज जो है मैं आप लोगों को अंदर का दिखा देता हूँ, माल मटेरियल जो भी है सब। तो बन रही है वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगी तभी लाइक करना, वरना लाइक मत करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बनने कोई देरी की। जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं जो है कबूतरों को खोल दिया था, आप लोग देख सकते हो मैंने जो है सभी सभी कबूतरों को बाहर खोल दिया। मेरे सभी के सभी कबूतर जो है बाहर घूम रहे हैं इस टाइम। और गाइस हम लोग ने जो है अपनी पेटी के जाली पर जो है कलर भी किया है, आप लोग को दिखा दूँ, एक बार चेक भी करा दूँ कि किस टाइप से जो है कलर हुआ है। ये देखो यहाँ पर जो है मैंने ब्लैक कलर किया, और थोड़ा जो है कबूतर जो परवर मारते थोड़ा डस्ट वस्ट लग गया इसमें, नहीं तो जाली में परफेक्ट कलर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हुआ है, आप लोग जैसे देख ही सकते हो। और गाइस ये हमारा जो है कनक कबूतर है, प्याजी कनक कबूतर है, और इसके नीचे जो है एक बच्चा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बच्चा है, ग्रोथ उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हुई है, आप लोग देखना। और गाइस ये पता नहीं किस कबूतर ने जो है इस पेटी के ऊपर जो है अंडा दे दिया है। यहाँ पर जो है जाली है, मतलब पेटी है, हमारे पास पेटी है नहीं मतलब खाने वाली, इस वजह जो यहाँ पर किसी कबूतर ने जो है अंडा दे दिया। अभी जो है हम लोग पेटी भी इधर उधर कर देंगे। और मेरे भाई ये जो बच्चा है ये कासनी पिलाकड़े का है, और इसको जो पाल रहा है वो हमारा टावर वाला कबूतर है, जो आशीष ने इसे जो है टावर से पकड़ के लेके आया था, जो नर था वो जो है इसको पाल रहा है। और ये जो बच्चा हमारे कासनी पिलाकड़े का है, जो हमारे पेटी के किंग है। और गाइस ये हमारा छापा है बॉर्डर वाला कबूतर, और इसके साथ जो है अंबासरी नारी लागी। पहले भी अंडे दिए थे पर अंडे जो है ख़राब हो गए थे, इस वजह से जो है बच्चे नहीं निकले थे। इस बार जो है इसके जो है बच्चे हम लोग सोचते हैं निकाले, इसलिए हम लोगों ने इसको अच्छा खासा पेटी दिया और रिंग में डाल दिया है, जिससे हमारे कबूतर के बच्चे बने। इसकी जो नारी थी अंबासरी थी, अभी आप लोग अंडे भी दिखा देता हूँ। देखो आप लोग अंडे दिखा देता हूँ, अंडे जो है अंडे का जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा मस्त है, ज़्यादा ना बड़े ना ज़्यादा छोटे हैं, मीडियम साइज़ के अंडे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कबूतर के अंडे बड़े छोटे होते हैं। तो इसके अंडे जो है दोनों अंडे जो सेम ही है। अभी अंडे जो है मैं एक जगह रख देता हूँ जहाँ से इनको उठाया था। और गाइस यहाँ पर जो है आप लोग को दिखा दे, ये जो बच्चा है हमारे वो कनक कबूतर का, जो आप लोग को सबसे पहले दिखाया था कनक कबूतर, उसका ही बच्चा है। इसके नीचे जो एक ही बच्चा ही है ये लोता, पर इसका जो पर है मतलब नॉर्मल, मतलब इसके पर के आगे पीछे जो ब्लैक ब्लैक मतलब छाटे आ गए हैं, जो कोने कोने का पर है वो ब्लैक ब्लैक है, आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार निकाल के। देखो इसको जो पर है ब्लैक ब्लैक है, पर वो जो है लाल में, और इसको जो पर है ब्लैक, ऊपर पट्टा काफ़ी ज़्यादा शानदार सा है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मस्त ग्रोथ हो रही है इसकी, और काफ़ी ज़्यादा मुझे मस्त भी लग रहा है, मतलब इतना जल्दी ग्रोथ हो रहा है इनका, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। ये देखो आप लोग अभी इसको रख देता हूँ और बाकियों को भी दिखाता हूँ आप लोग को। मेरे भाई ये बाजू वाली पेटी है यहाँ की, इसमें जो हमारा नफ्ता कबूतर रहता है, इसके नीचे दो बच्चे हैं, और ये पहली बार हम लोग बच्चे निकाल रहे हैं इसका। तो मैं नहीं चाहता इनको छूँ, इनमें कुछ कीटाणु का रही, अगर मेरे हाथ में कोई भी कीटाणु डस्ट वगैरह हो तो इन पर जाए। मेरे भाई ये जो बच्चा है हमारे इलाहाबादी बाजरे कबूतर का है, इसके साथ जो मेल लगे फीमेल लगी तो वो जो है इलाहाबादी है, अखा जोड़ा ही इलाहाबादी है, पर इसका जो बच्चा थोड़ा अलग कलर में आया, आप लोग को दिखा देता हूँ निकाल के। ये देखो ये जो बच्चा काफ़ी ज़्यादा शानदार पा हल्का लाल छाटे में आया, मतलब सिलाइटी धब्बे, पर बच्चा काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, आप लोग देख सकते हो बच्चे किस तरीके से निकले। और इसका जो गंडे वगैरह गंडे जो है इसके पर में वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्त आ चुके हैं, पर बच्चा थोड़ा अलग कलर में, इसके लिए मुझे लग रहा है थोड़ा कि अगले कबूतर जो थोड़ा मसाल में निकलेगा। मुझे मसाली बच्चे चाहिए थे क्योंकि अखी जोड़ी मसाले, और इस बार जो ऐसा बच्चा निकला, हम लोग चेक कर लेंगे पट्टे को क्या है क्या रिजल्ट देता है, क्योंकि हमारे घर के पट्टे मुझे भरोसा है कि वो उड़ेंगे ही उड़ेंगे, और मैं उड़ाना ही है मुझे, इस वजह जो है निकाल रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो अभी इसको उसकी जगह पे रख देता हूँ। ये देखो बच्चा चला गया, और यहाँ पर जो है हमारा छापा कबूतर है, और आप लोग बताना ये कौन सा नस्ल है। अभी मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी दो ही दिन हुआ है इसको अंडे पर बैठे, मतलब अंडा दिए इसके फीमेल ने, अभी जो है अंडे पर सेका है, और ये बहुत कम ही ज़्यादा मतलब अंडे पर बैठता है, फीमेल ही ज़्यादातर बैठती है, एक बार ये उठ जाता है तो अंडे पर बैठता है, ये अंडा भले ठंडा पड़ा रह जाए, इस वजह मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, ऐसे ही अंडे पर जो है बैठने दूंगा, ये सेकते रहेगा अपना। और गाइस जो आप भी नर दिखाया जो अंडे पर सेक रहा था उसी का ये जो बड़ा वाला पट्टा है आप लोग को दिखा दूँ। ये देखो ये बड़ा वाला पट्टा है, एक पट्टा ये रहा, अभी छोटा वाला भी दिखा देता हूँ। मेरे भाई ये रहा छोटा वाला बच्चा, ये भी जो है सेम वैसे में, पर इसका जो है थोड़ा डार्क में, इसका कलर जो है डार्क है और उसका कलर जो है थोड़ा हल्का है,
और ये बच्चा है हमारे कासनी कबूतर का और काफ़ी ज़्यादा शानदार सा पहला बच्चा है और काफ़ी ज़्यादा मस्ती करता है, इधर उधर फुदकता रहता है। इसको भी जो मैं उड़ाऊँगा थोड़ा और बड़ा हो जाए, खुद से उड़ने लग जाएगा, मुझे पता है क्योंकि वो जो है उसका बाप काफ़ी ज़्यादा उड़ान का है और मेरी पेटी का शान है वो। और उसका जो है पहला बच्चा है, अभी तक उसको उड़ा रहा था पर इस बार जो है ब्रीडिंग में डाला था, पर एक बच्चा निकला, दो बच्चे थे पर एक बच्चा एक्सपायर हो गया था, ये लौता बच्चा है अभी भी, उसको जो है अंडे निकालेंगे थोड़ा और अच्छी नारी मारकर। और वैसे हमारा मोतिया कबूतर का बच्चा है, ये थोड़ा मतलब छाटेदार में आ गया, मोतिया कबूतर थोड़ा व्हाइट रहते हैं। और मैं जो पेटी के अंदर हूँ और बाहर वाले कबूतर जो है अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो है उन्हें बच्चे बच्चे खिलाना है। और यहाँ पर हमारा टावर वाला कबूतर जो है बच्चे को भरा भी रहा है, आप लोग जिसे देख सकते हो कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो है भराता है, फीड वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कराता है। सिंगल बच्चा है और वो भी जो है सिंगल ही है, उसकी जो फीमेल है वो जो है पता नहीं अचानक से गायब हो गई है। मेरे भाई एक बच्चा यहाँ पर है, ये हमारे सहारनपुरी कबूतर का बच्चा है, हम लोग ने एक फीमेल उतारी थी जो उसके साथ सहारनपुर के साथ जोड़ा मार दिए थे, उसके साथ जो बच्चा निकला आप लोग के सामने यहाँ पर है। अभी ये जो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और देखने में आप लोग को लग रहा है बड़ा हो चुका है, जैसे जैसे बड़ा होगा उसी हिसाब से अपने आप से उड़ना भी स्टार्ट कर देगा। फिलहाल जो है अभी ये उड़ नहीं रहा और फीमेल भी जो है एक्सपायर हो चुकी है। फिर मेरे भाई कबूतर भी जो है मेरे यहाँ पर वहाँ जो है घूम रहे, मैं इनको इसलिए खुला छोड़ देता हूँ, जो आजू बाजू दाना पड़ा रहता है शाम का पड़ा हुआ दाना, उनको जो है लोग खा ले, इस वजह से लोग घूम रहे। अभी मेरे ये लग रहा है कि ये लोग जो है दाना वाना सब उधर उधर को उठा लिए, अभी जो है दाना का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा मालिक जो है दाना डाले, तो अभी जो है मैं इनको दाना भी डाल दूंगा जल्दी से और ये लोग जो है अच्छी तरीके से जो है खा लेंगे दाने को। और यहाँ पर जो है कबूतर जो है ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, इसके नीचे जो है दो बच्चे नफ्ता कबूतर है, इसके नीचे दो बच्चे तो फिर भी जो वापस से ब्रीडिंग स्टार्ट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बच्चे तब तक बड़े हो जाएंगे जब तक फीमेल जो है अंडे पर आएगी। मेरे भाई अभी जो है मैं कबूतर को दाना डाल देता हूँ जिससे लोग पेट भर के खाए और अपने बच्चों को जाके भरा दे। इसी तरीके से हम लोग जब भी पेटी को बंद करते हैं आखिरी टाइम पर जब बंद करने वाले रहते हैं हम लोग जो है अपने कबूतर को तभी दाना डालते हैं। और ये देखो अब मेरा जो पट्टा है मुझे बार बार देख के मेरे पास में आ रहा है, फिर डर जा रहा है जैसे कि मैं इसको खा जाऊँगा। अभी जो है पानी भी रख देता हूँ, मेरे कबूतर जो है पानी अभी पी के अपने अपने लोट में चले जाएंगे, अपने अपने जो बच्चों को फीड कराएंगे जो मतलब खाए पिए रहेंगे उनको भी खिला देंगे, फिर भी जाके उनको खिलाने के बाद वापस से मेरे पास आएंगे और हम लोग जो है वापस इन्हें जो है दाना पानी करा देंगे। इसी तरीके से दो बार जो है हमारे कबूतर खाते हैं, खा के क्या पता आप लोग के कबूतर भी ऐसा ही करते हो। जहाँ तक लगता है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।